हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल। तो हाँ मेरे भाई, आज हम बात करने वाले ओप्पो A58 5G के बारे में। इसके आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इसकी इंडियन प्राइस भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो का कंटेक्ट देखना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 20 लाइक्स का। आई होप आप सब कर दोगे। तो चलते हैं मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। डिस्प्ले निकल के आता है 6.56 इंचेस का LCD डिस्प्ले 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में। तो डिस्प्ले आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। हाँ, नॉर्मल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है मेरे भाई, अच्छी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। अब मैं अगर इस फोन के बैटरी की बात करूँ, बैटरी निकल के आता है 5000mAh का प्लस 33W का एडाप्टर। तो हाँ, ये चीज़ अच्छी है, बिग बैटरी और बिग एडाप्टर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज़ मैं अच्छी कहूँगा मेरे भाई। अब मैं अगर इस फोन के कैमरा सेटअप्स की बात करूँ, 50MP का मेन कैमरा है, इसमें डुअल कैमरा सेटअप है, 2MP का डेप्थ है। हाँ, तो अल्ट्रा वाइड आपको देखने के लिए ही नहीं मिलता है मेरे भाई। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करूँ, 8MP का सिंगल फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है। कैमरा सेटअप भी आपको ठीक देखने के लिए मिलती है मेरे भाई। अब मैं अगर इस फोन के प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर निकल के आता है Dimensity 700 वाला 5G प्रोसेसर आपको इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसर अच्छा है मेरे भाई। अब मैं अगर इस फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ, LCD डिस्प्ले, तो ऑब्वियसली मेरे भाई साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं अगर इस फ़ोन के प्राइसिंग की बात करूँ, अभी इन्होंने इसकी इंडियन प्राइसिंग नहीं बताई है, चाइनीज प्राइस निकल के आती है $234 मेरे भाई। अगर हम उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बनता है फ़ोन 19,000 रुपये का। इंडिया में आते आते इसके ऊपर 1-2 हज़ार और प्लस हो जाएंगे। तो ये आएगा तब मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो बना के, ये इसको आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। चाइना में जा रहा है 10 नवंबर को। हाँ, तो इसकी प्राइसिंग तो ओवर प्राइस रहेंगी मेरे भाइयों। एक अच्छा पैकेज ला सकता था ओप्पो इस सीरीज के साथ में, बट इसकी प्राइसिंग थोड़ी हाइयर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं जैसा भी जो कुछ होगा। अगर ये फ़ोन 17,000 के अंदर आता है तो अच्छा है, उससे ऊपर होता है तो मेरे भाइयों ये फ़ोन वेस्ट ऑफ मनी में से कहूँगा। इसके अंदर आपको इतनी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती नहीं है, सिर्फ 5G है। हाँ, तो 5G ही चाहिए तो लाओ अब लिस्ट 5G, चेकआउट कर लेना। लॉन्ग वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।